हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में समझे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 5 है, अ कस्टमर पेड 30 रुपीज़ टू परचेज अ कलर टीवी। अभी कस्टमर ने इतने रुपये पे किए हैं क्या कलर टीवी को खरीदने के लिए। इफ़ दिस इंक्लूड वैट इज 12%। अब इसमें क्या हुआ है कि 12% का वैट इंक्लूड है। ठीक है, डिटरमाइन द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी। What will be the new selling price if the VAT change to 10%? अब क्या कह रहा है, न्यू बताना है, न्यू सेलिंग प्राइस जब VAT हमारा चेंज हो गया है 10%। मतलब कहना क्या है कि हमें सबसे पहले हमें मार्क प्राइस पता होगी। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस में ही हमारा क्या लगेगा, VAT इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, ये बता रहा है कि इतने का उसने खरीदा हुआ है, उसमें पहले से 12% का टैक्स लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 12% का टैक्स हटा के मार्क प्राइस निकालने के बाद फिर से जो हमारा लग रहा है वैट उसको फाइंड करेंगे। समझ गए, तो चलो इसे इसमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कि तो गिवन हमारे पास क्या है। गिवन हमारे पास ये 16,800 क्या है जो उसने टीवी परचेज की है और उसमें वैट भी इंक्लूड है, टैक्स भी इंक्लूड है। ठीक है, तो द प्राइस है ये, द प्राइस ऑफ द प्राइस कस्टमर पेड इक्वल्स टू 16,800। ठीक है, अब ये तो टोटल प्राइस है, मतलब इसमें टैक्स इंक्लूड है, और टैक्स कितने का था, वैट कितने का था, 12% का आया था। ठीक है, अब उसने पूछा है कि अगर उस टीवी का जो है ना टैक्स अगर 10% है और उसमें न्यू सेलिंग प्राइस भी पूछा हुआ है। ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस में टैक्स लगा देंगे ये 10%, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा मार्क प्राइस, लेट मार्क प्राइस बी एक्स। मतलब कहने का ये है कि दो मार्क प्राइस में ही टैक्स इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये टैक्स इंक्लूड हो चुका है, मगर मार्क प्राइस हमें क्या है ये हमें पता नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, मार्क प्राइस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एक्स है, एक्स प्लस 12%, 12% का ही तो मार्क प्राइस किस में जुड़ा था, हमारे मार्क प्राइस में। ठीक है, 12/100 ऑफ एक्स, ऑफ मतलब ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना हुआ, 16,800। इतनी बात समझ गए। देखो इतना क्या हुआ कि ये हो रहा है कि हमें 12% का जो टैक्स लगा उसका रुपीस निकलेगा, वो रुपीस निकलने के बाद ऐड किस में हो जाएगा, एक्स में, मतलब मार्क प्राइस में। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है, एक्स है तो एक्स लिख दो यहाँ पर, प्लस 12/100 एक्स इक्वल टू 16,800। ओके, अब देखो क्या करो, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, अपॉन में 1 करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एलसीएम लिया किया हुआ 100, यहाँ पर 100 एक्स प्लस 12x इक्वल टू 16,800। अब क्या है ना, 112x अपॉन 100 इक्वल टू 16,800, 112x इक्वल टू 16,800 इंटू 100। ठीक है, एक्स इक्वल टू 16,800 इंटू 100, सॉरी 00 इंटू 100। अब ये देखो मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड में कितना आएगा, 112। ठीक है, अब देखो क्या करो कि इसको इससे हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, जब 102 को इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 150। 150 इंटू 100 करो कितना आ जाएगा, 15, मतलब 15,000। तो 15,000 हमारा क्या था, 15,000 था हमारे पास मार्क प्राइस, एक्स हमने लेट किया था मार्क प्राइस जो हमें मिल गया है, ये 15,000 था। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि अब जब हमारे पास जो मार्क प्राइस आ गया है, इस मार्क प्राइस में वो क्या करेगा, 10% का टैक्स लगाएगा, फिर से सेल कर देगा। ठीक है, तो क्या करना है, द मार्क प्राइस ऑफ टीवी, ठीक है, इज 15,000। समझ गए इतनी सी बात। अब देखो इसमें क्या लग रहा है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा है, जो हो रहा है 10% का लग रहा है। ठीक है, तो कैसे लगेगा, हम निकालेंगे कैसे कि देखो 10% का जो टैक्स लग रहा है इसको हम फाइंड कर लेते हैं रुपीस। ठीक है, 10% का लगेगा, जब हम फाइंड करेंगे तो हमें ये किस में मिल जाएगा, रुपीस में, इंटू 15,000। कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा, 1,500। तो ये कितने का वैट लग गया,
ठीक है, ये अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट कितना है, 1500 का अमाउंट मतलब टैक्स लगेगा इसमें, समझ गए इतने बार। तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस प्लस अमाउंट, ये जो टैक्स है, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट लिख दो, टैक्स लिख देता, तो कितना टैक्स आ रहा था, मार्क प्राइस हमारे पास कितनी थी, 1500 सॉरी, प्लस टैक्स का 1500, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 116,000 आ जाएगा, 500, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये समझ गया होगा, तो फिर से एक बार हम इसका रिवाइज कर लेते हैं, समझते हैं कैसे क्या। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि ये हमारे पास एक अमाउंट है जिसमें 12% का हमें टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें 12% का टैक्स लग चुका है पहले से, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें 12% टैक्स लगा है, फिर न्यू सेलिंग प्राइस बताओ जिसमें 10% का टैक्स लगेगा। तो उसको फाइंड करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मार्क प्राइस, जो हमें गिवन नहीं है, तो उसको हमने लेट कर लिया एक्स। तो जब हमने लेट कर लिया एक्स, तो ये चीज़ ध्यान देना, जो टैक्स लगता है ना वो मार्क प्राइस में टैक्स लगता है, मार्क प्राइस प्लस टैक्स, ठीक है, तो प्लस होता है। तो हमने क्या किया, मार्क प्राइस निकाला एक्स का, मतलब एक्स हमने लेट किया मार्क प्राइस, इसमें 12% का टैक्स लगा दिया, प्लस कर दिया इसमें। अब ये हमारे पास जो आया, ये आया क्या हमारे पास, सेलिंग प्राइस, मतलब मार्क प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस आ गया। जब मार्क प्राइस हमें मिल गया, इसी मार्क प्राइस से हमने फाइंड कर लिया है जब हम 10% का टैक्स लगाएंगे, तो ये हमारे पास ये आ गया है, सेलिंग प्राइस आ गई है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये समझ गया हो गया, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6, द मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जींस इज 800, अ कस्टमर पे 48 रुपीज एज वैट फॉर इट, फाइंड द रेट ऑफ वैट। कह रहा है कि रेट बताना है, मतलब रेट बताना है, इसका मतलब कितना परसेंट का टैक्स लग रहा है कि उसने 48 रुपीज दिए। अब इसमें बात कर रहा है रुपीज की, कि इतने रुपए का टैक्स दिए और हमें परसेंट में रुपए बताना है कि अगर इतना रुपए लग रहा है इसमें तो कितना परसेंट टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ईजी है। देखा क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन पहले समझो फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो समझ लिया होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 अब कह रहा है कि जो हमें टैक्स बताना है वो तो हमें गिवन नहीं है, तो उसको हम लेट कर लेंगे, लेट द वैट वैल्यू एडेड टैक्स परसेंट बी एक्स। तो परसेंट ही हमें निकालना है वैल्यू एडेड टैक्स का, वो हमें लेट कर लिया एक्स। अब वो क्या होगा, एक्स परसेंट ऑफ 800 इक्वल्स टू 48, मतलब कि जो ये टैक्स लग रहा है किसमें लग रहा है, 800 में प्राइस में लग रहा है, वो कितना आ रहा है, 48। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई तो फिर समझो। ये हमारा टैक्स परसेंट ऑफ एक्स, मतलब इसमें टैक्स लगने के बाद हमारा टैक्स कितना आ रहा है, परसेंट कितना आ रहा है, रुपीज 48 आ रही, समझ गए इतना। अब देखो क्या करना है, एक्स परसेंट हटेगा, 100 आ जाएगा, ऑफ इसे का मल्टीप्लाई 800 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8x इक्वल्स टू 48 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो मल्टीप्लाई में इक्वल किस साइड जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 48 डिवाइड बाई 8, 8 6 8 होगा, तो 6% हमारा क्या है, टैक्स लग रहा है। तो ये इतना ईजी था क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 6000, द डीलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन कैश पेमेंट, ठीक है, अगर वो पेमेंट कर रहा है कैश तो वो 4% का डिस्काउंट दे रहा है, इफ द रेट ऑफ वैट इज 7%, ठीक है, 7% दे रहा है, क्या है हमारा टैक्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ कस्टमर हैज टू पे टू द डीलर इन कैश टू परचेज इट। अब इस बात को समझना, क्वेश्चन 7 में देखो कह रहा है कि अगर जब वो कैश पेमेंट कर रहा है, ठीक है, 6000 का, तो उसमें 7% टैक्स तो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टैक्स लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर उसमें प्लस करना पड़ेगा, फिर जब वो कैश पेमेंट कर रहा है तो वो 4% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसमें हमें बाद में क्या करेंगे, डिस्काउंट निकाल लेंगे, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 7 है हमारा। तो दो सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस बोलो या सेलिंग प्राइस करो, कितना है 6000 का, ओके। अब देखो इसमें अमाउंट लग रहा है, अमाउंट किसका, टैक्स हम निकालेंगे, टैक्स का अमाउंट, तो पहले निकालते हैं टैक्स, कितना था 7% का लग रहा था।
अब हम इसका टैक्स का अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट ऑफ वैट। ये वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है। एट कितना लग रहा है? 7% का। किस में लग रहा है? इसमें लग रहा है, मार्क प्राइस में ही लगता है, तो मार्क प्राइस ही लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, ये 7% ऑफ 6000। तो 7% हटेगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा, ऑफ से का मल्टीप्लाई हो यहाँ पर 6000, 00 कैंसिल, 67 से कितना हो गया 42, 420। समझ गए इतनी बात? तो ये हमारा क्या आया, ये टैक्स का अमाउंट आया। जब 7% टैक्स लगेगा तो इतने रुपए बनते हैं, तो ये रुपए क्या होगा, ऐड हो जाएगा किसमें, मार्क प्राइस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो आ जाएगा हमारे पास क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 6000 प्लस 420। इसको जब हमने प्लस कर दिया तो कितना आएगा, 6420। तो ये तो आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस की, टैक्स लगने के बाद इतना है। मगर अब उसने कहा कि हम 4% का तुम्हें डिस्काउंट भी दे देंगे, तो ठीक है। अब वो डिस्काउंट दे रहा है, तो लिखते हैं टोटल डिस्काउंट इक्वल्स टू 4% ऑफ 6420। तो 4% की जगह परसेंट हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 6420, 00 कैंसिल, ठीक है। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2568 बाई 100। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 256.8, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया अगर इतना 4% का अमाउंट होगा, ठीक है। ये अमाउंट है डिस्काउंट वाला। अब देखो क्या करना है, अमाउंट अब वो कितना पे करेगा, डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर कितना रुपए देगा। तो निकालते हैं अमाउंट, अमाउंट टू पे बाय कस्टमर, इक्वल्स टू क्या होगा, ये और ये माइनस कर देंगे हम, क्योंकि 6420 माइनस 256.8 माइनस किया तो कितना आ गया, 6163.2। ये हो गया आंसर, ठीक है। समझ गया, इजी था ये, ठीक है। डिस्काउंट ये निकाला, डिस्काउंट निकालने के बाद इसको माइनस कर दिया, तो वहाँ पास हमारा अमाउंट आ गया जो वो पे करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, टीना ब्रॉड अ परफ्यूम फॉर 300 इंक्लूडिंग 10% वैट। मतलब 10% का टैक्स लग रहा है, लगने के बाद वो 300 रुपये का परफ्यूम खरीद लेगी, ठीक है, इसमें टैक्स लगा हुआ है। एंड अ लिपस्टिक फॉर 220 इंक्लूड 12% टैक्स, और इसमें लिपस्टिक्स में 12% टैक्स इंक्लूड है। व्हाट परसेंट ऑफ सेल टैक्स इज चार्ज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब कह रहा है इसमें सेल टैक्स कितना इंक्लूड है पूरे ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्या करना है, सिंपल है, बहुत इजी है। तो देखो परफ्यूम का प्राइस दे रखा है इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है। तो हम लिख देते हैं क्या था परफ्यूम हमारे पास कितना था, 300 का, और हमारे पास क्या था, लिपस्टिक था हमारे पास कितना, लिपस्टिक है इक्वल टू 220 का, ठीक है। अब इसमें क्या 10% का इंक्लूड था टैक्स, और इसमें था टैक्स कितना, इसमें टैक्स लग रहा था, वैट लगा था कितना 10% का, और इसमें लगा था टैक्स जो था 12% का। अब हम इसका अमाउंट निकाल लेते हैं, अगर 10% का टैक्स लग रहा है तो कितना अमाउंट बनता है ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं क्या, अमाउंट 12% का, ठीक है। जब टैक्स लग रहा है 12% का तो कितना, 300, पहले 10% वाला निकालते, 300 इंटू 10/100 कितना आया यहाँ पर, 30 आ गया। अब निकालेंगे हम लिपस्टिक का, लिपस्टिक अमाउंट टैक्स का कितना होगा, अमाउंट कितना 12% का लग रहा था, कितना होगा, 12% हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, इंटू 220, 00 कैंसिल, और इसे इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में आएगा 26.4, ठीक है। अब निकालेंगे टोटल अमाउंट जब हमें डिस्काउंट, सॉरी टैक्स फाइंड किया था, टैक्स टोटल टैक्स अमाउंट, ठीक है, टोटल टैक्स अमाउंट कितना हो जाएगा, 30 प्लस
26.4 कितना होगा, 56.4। ये हुआ हमारा टोटल टैक्स। अब हम क्या निकालेंगे कि हमारे पास टोटल टैक्स तो आ गया, ठीक है, अब टोटल अमाउंट निकालेंगे इसका और इन दोनों का। तो टोटल अमाउंट क्या होगा, परफ्यूम प्लस लिपस्टिक कितना, 300 प्लस 200 कितना आएगा, 500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा टोटल टैक्स अमाउंट कितना था, 56.4 बाई कितना आ रहा था हमारे पास, ये आएगा 220, सॉरी, ठीक है, 520 इंटू 100, ठीक है, 0 0 कैंसिल कर देंगे। अब क्या करो, इसका डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करने में, मल्टीप्लाई करने में आएगा 564/52। अब इसको इससे डिवाइड करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10.84%, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया, बातें क्वेश्चन नंबर 9 में। दो क्वेश्चन नंबर 9 में भी थोड़ा सेम वैसा ही है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, जो गुड्स वो खरीद रहा है कितने का आ रहा है, 7500 का, है ना। फिर कह रहा है सी गेट अ रिबेट फॉर 10% ऑन देम आफ्टर गेटिंग द रिबेट इफ वैट एट द रेट ऑफ 10% इज चार्ज। तो वैट भी लग रहा है, रिबेट भी है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट सी विल हैव टू पे फॉर द गुड्स, कितना अमाउंट उसने पे किया है, ठीक है, गुड्स के लिए। गुड्स मतलब कोई भी सामान के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, तो क्या रिबेट हमें कितना लग रहा था, 10% का, 10% का रिबेट लगेगा, किस में लगेगा, ये भी तो देखने की बात है। ये हमें रिबेट लगेगा इसमें, इस अमाउंट में, ठीक है, जितने का वो खरीद रहे थे, ऑफ 7500, ठीक है। 10% परसेंट हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, ऑफिस मल्टीप्लाई 7500, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया, 750। तो ये आ गया रिबेट का अमाउंट, ठीक है। अब रिबेट का अमाउंट आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, हमें इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, 7500 माइनस 750, ठीक है। अब इसको करो इसके इससे माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, तो कितना आ जाएगा, 6750, ये आ जाएगा हमें सेपरेट करने के बाद। अब हमें निकालना है सेल टैक्स जो लग रहा था, ठीक है, कितना लग रहा था हमें, 10% का लग रहा था ना, देख लेते हैं। तो हमें वैट कितना लगा, 10% का, लिख लेते हैं यहाँ पर 10% का टैक्स। अब हमें जो लगेगा किस में लगेगा, इस अमाउंट में लगेगा, ऑफ 6750, तो कितना हो जाएगा, 10% की जगह पे 100 आ जाएगा, इंटू 6750, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करो, 675 ये भी 0 कर दो, तो हमारे पास कितना बचेगा, 675। तो ये हमारा आ गया अमाउंट, आ गया टैक्स अमाउंट, ठीक है। तो टैक्स अमाउंट है, अब क्या करना, इसको प्लस कर देंगे इसमें, क्योंकि इस अमाउंट में टैक्स इंक्लूड होगा ना, तो लिख देंगे फाइनल अमाउंट आ जाएगा इक्वल टू 6750 प्लस 675। इन दोनों को प्लस करो तो कितना, 7425, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, अ मूवी टिकट कॉस्ट 10 रुपीज, द वैट ऑन इट इज 4%, फाइंड द अमाउंट अ कस्टमर हैज टू पे टू बाय द टिकट। अब इसमें बताना है कि इसमें क्या कॉस्ट है मूवी टिकट की इतनी, ठीक है, उसमें वैट लग रहा है 4% का। अब कह रहा है बताओ कि फाइंड द अमाउंट, जो अमाउंट है कस्टमर पे करेगा क्या मूवी टिकट को खरीदने के लिए, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बहुत इजी है, सबसे इजी है ये। तो हमारे पास क्या हुआ, ये है 10, ठीक है। अब उसका जो टिकट की कॉस्ट थी, प्राइस है ना, सीपी लिख दे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टिकट कितनी थी हमारे पास, 110 रुपीज, ठीक है, यही है ना हमारे पास, हाँ यही है। अब देखो क्या कह रहे थे, उसमें टैक्स लग रहा था, वैट लग रहा था कितना, 4% का, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, 4% का टैक्स इसमें लग रहा है ना, लगेगा कितना होगा, इसका अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट टू बी पेड, ठीक है, कितने का, टू बाय अ टिकट, ठीक है, बाय द टिकट,
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4% ऑफ 110। तो 4%, 4% हटेगा डिवाइड में 100 आ जाएगा, ऑफ इसे का मल्टीप्लाई 110, 0 0 कैंसिल। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो 44/10, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो तो 4.4, तो 4.4 रुपीज़ का टैक्स इसमें लग गया, ठीक है। तो टैक्स क्या इंक्लूड होगा ना हमें सीपी में, कॉस्ट प्राइस में, तो हम सिंपल से लिख देंगे क्या, 110 प्लस 4.4, इसको प्लस कर दो तो हमारे पास कितना आ गया, 114.4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ अ ब्रांडेड स्कूल बैग इज दिस, द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ कैश पेमेंट, इफ द वैल्यू एडेड टैक्स इज 7%, फाइंड द अमाउंट द कस्टमर हैज टू पे इन कैश टू परचेज इट। तो ये भी बहुत इजी, ऐसे ही सेम हमने ऊपर भी एक बताया था, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसमें क्या कह रहा था, मार्क प्राइस जो गिवन है स्कूल बैग की वो कितनी है, 780 रुपीज़ है, ओके, रुपीज़ है 780। अब उसमें क्या कह रहा है, 10% का वो क्या लग रहा था, डिस्काउंट दे रहा था, है ना। तो 10% का क्या हो रहा था, उसमें डिस्काउंट दे रहा था और उसमें वैट भी लग रहा था 7% का। तो हम निकाल लेते हैं इसे, 10% का डिस्काउंट तो कितना हुआ, 780 इंटू 10/100, 0 0 कितना आ गया, 78। तो डिस्काउंट देगा, तो डिस्काउंट देगा तो इससे तो लेस करेगा ना, तो लिख देते हैं हम आफ्टर डिस्काउंट इक्वल्स टू 780 माइनस 78, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 702, ठीक है। इतना आ जाएगा हमारा डिस्काउंट देने के बाद। अब उसमें क्या हो रहा है, 7% का टैक्स इंक्लूड कर, 7% ऑफ वैट ऑन कितने, 702 रुपीज़ में, 702 रुपीज़ में इंक्लूड हो रहा है, क्या हो जाएगा, 7% ऑफ 702, परसेंट हटेगा डिवाइड में 100 आ जाएगा, ऑफ इसका मल्टीप्लाई 702। अब इसका इससे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में सीधे करके बता दे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4914.14, ओके, 4914, ये तो हमारे पास आ गया ये। अब क्या निकालेंगे, ये तो हमारे पास टैक्स आ गया, अब इसमें निकालेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो इसमें इंक्लूड होती है, सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम लिख दो, बैग लिख दो, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा, 702 प्लस 49.14, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा, 751.14, तो ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज पूरी होती हुई कंप्लीट, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और